नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्नेहम कुकिंग में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम बनाएंगे साग। ये मैंने साग लिया है, ये जापानी सरसों का साग है। जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको तो इसके बारे में पता ही होगा। तो जो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके जो बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, तो इस तरह से ये साग मैंने लिया है। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश साग जो मैंने लिया है, तो इसको पहले हम छीलते हैं। ये जो साग है इसको इस तरह से, इसका जो डंडल है वो थोड़ा सा ऊपर से निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये पकता नहीं है। इसको निकाल देंगे इस तरह से, और इसके पत्ते जो हैं इस तरह से निकालकर, ये जो एक्स्ट्रा डंडल है इसको निकालकर ऐसे इसको जो छील लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो साग है ना, इसके जो मैंने एक्स्ट्रा डंडल है वो निकाल दिए हैं, और जो सॉफ्ट डंडल हैं जो पक जाएंगे अच्छे से, उनको मैंने इस तरह से छील लिया है। ये जो जापानी सरसों है, इसके जो पत्तों का साग है ना, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, तो इसलिए पत्ते जो है हम इसके पत्ते का इस्तेमाल जो है करेंगे। सरसों के साग में हम पत्ते जो निकाल देते हैं, लेकिन जापानी सरसों में ये पत्तों का ही साग जो है हमें हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से जो मैंने जो सारा साग है इसको मैंने छील लिया है, अब इसको हम काट लेंगे। साग को इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेकर चोपर पे रख के इस तरह से नाइफ से, इसको ज्यादा मोटा हमें नहीं काटना है, बारीक ही काटना है। तो इस तरह से इसको हम काट लेंगे। अगर आप इस तरह से इसको काटेंगे तो ये बहुत ही आसानी से जो है इजीली हम इसको काट सकते हैं। तो आप भी जब भी साग बनाएं, तो कुछ लोगों को होता है कि साग काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आप इस तरह से अगर साग को कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होगी और आपको मुश्किल जो है। साग को मैंने इस तरह से काट लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारा साग मैंने बहुत ही इजी तरीके से काटा है। तो इसमें काटने में कोई भी ज्यादा हमें दिक्कत जो है नहीं आती है, तो आप इसी तरीके से काटिए। तो साग जो मैंने सारा काट लिया है, अब हम कटिंग करेंगे पालक की। तो पालक को भी मैंने पहले से ही जो छान के अच्छी तरह से रख लिया है, इसमें जो डंडल वगैरह जो घास वगैरह थी वो सब निकाल दिया, इसे अच्छी तरह से मैंने जो इस तरह से साफ कर लिया है, और इसके जो मैंने पत्ते हैं वो निकाल लिए हैं। तो इसको भी हम इसी तरीके से ऐसे ही काट लेंगे। तो एक बात बताना चाहूंगी आपको कि अगर आपके पास 2 किलो साग है, तो उसमें हम 1/2 किलो के करीब जो है पालक ऐड करेंगे। साग ज्यादा होना चाहिए और पालक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, कम मतलब कि हाफ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 किलो साग में 1 किलो पालक ऐड करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से बारीक जो है काट लूंगी। पालक जो है इसको भी मैंने इस तरह से जो काट लिया है, सेम तरीके से ही मैंने इसकी कटिंग की है जिस तरह से साग की है। तो अब हम साग और पालक को जो है अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप साग बनाएं, तो पालक जो है उसको अलग से वॉश करें और साग को जो है अलग से वॉश करें, क्योंकि साग जो है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो साग में पहले थोड़ा देर के लिए पकाना होता है, जैसे 10-5 मिनट के लिए, तो पालक को हम इसमें बाद में डालते हैं, तो इसलिए पालक को जो है हम बाद में अलग से वॉश करेंगे। तो अब मैं इसको वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, साग जो है मैंने उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश जो है कर लिया है, इसको मैंने 3-4 बार जो है पानी में वॉश किया है। पालक जिस तरह से मैंने बताया था, इसको अलग मैंने वॉश किया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से जो है वॉश करके रख लिया है। अब हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में देसी स्टाइल में। तो चलिए आइए बनाते हैं। कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे साग, इसमें जो मैंने पानी है वो बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जैसे हम खुले बर्तन में कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाता है, ये कुकर के अंदर पकेगा, तो इसमें जो है पानी की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। साग में बहुत सारा मॉइस्चर होता है और पालक में भी, तो ये अपने पानी से खुद ही जो है पक जाएगा। तो इस तरह से एक बार में जितना साग मैं डाल सकती हूँ डाल दूंगी। तो जब आप खुले बर्तन में इसे पकाए, तो आप जो है इसमें पानी जो है पहले थोड़ा सा जरूर डालें, 2-3 गिलास के करीब। तो इस तरह से मैं ये जितना साग मेरा कुकर में आ सकता था एक बार में मैंने डाल दिया है। अब इसे थोड़े टाइम के लिए इसमें ढक दूंगी। इसी तरह से कुकर का ढक्कन जो है हमें बंद नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से इसे मैं
रख दूंगी, इससे जो थोड़ा सा साग है हमारा पत्ते जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद हम जो बाकी का बचा हुआ साग है वो इसमें हम डालेंगे। पाकर चेक कर लेंगे, ये देखिए ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, अब ये बहुत ही ज्यादा नीचे हो गया है। तो बाकी का जो बचा हुआ साग है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। साग को थोड़ी देर के लिए हम पहले इसलिए पका लेते हैं क्योंकि इसमें जो इस तरह के जो रहते हैं डंडल, इसे भी हमें पकाना होता है, और पालक जो है वो मिनटों में जो है पक जाती है, तो इसलिए साग को हम जो है पहले थोड़ी देर पकाते हैं। तो ये बचा हुआ साग भी मैंने इसमें, तो ये मैंने सारा जो बचा हुआ साग था वो भी डाल दिया है। अब फिर से इसी सेम प्रोसेस करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसको थोड़ा सा नीचे होने देंगे, उसके बाद जो है हम इसमें पालक जो है डाल देंगे। अब फिर से कुकर का ढक्कन हटाकर चेक करते हैं, ये साग जो है काफी नीचे जो है जा चुका है। अब इसमें डाल देंगे पालक। तो ये जो मैंने बची हुई पालक थी उसको भी मैंने इसमें जो है डाल दिया था। अब ये जो ढक्कन जो है हम आसानी से इसका जो बंद कर सकते हैं, तो ढक्कन बंद करने से पहले इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। ये मैंने 6-7 हरी मिर्च जिसको मैंने कूट लिया है, और 100 ग्राम के करीब जो मैंने अदरक लिया है इसको भी मैंने जो है कूट लिया है। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है, इसको मैंने हाथों से ही जो है कूट के इसमें डालूंगी मैं। इसका जो फ्लेवर है ना साग में बहुत ही बढ़िया आता है, तो जब भी आप साग बनाएं तो अदरक हरी मिर्च को इस तरह से कूट कर इसमें जरूर डालें। तो अब इसे मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद साथ इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक आप पहले थोड़ा सा कम ही डालिए, जब आप तड़का लगाएं तो इसमें दोबारा से आप नमक जो है डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं इसी तरह से इसका ढक्कन जो बंद कर दूंगी। इसका ढक्कन बंद करने के बाद इसको मैं 30 मिनट के बाद जो है चेक करूंगी। तो 30 मिनट के लिए हम गैस को इसी तरह से चलने देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने हाई ही रखा है, लो फ्लेम पर जो है साग नहीं पकता है। तो आप इसी तरह जब प्रेशर कुकर में साग बनाएं तो उसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं। पानी जो है मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अपने पानी से खुद ही पक जाएगा। तो 30 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। अब पूरे 30 मिनट हो चुके हैं और गैस को मैंने बंद कर दिया है, तो इसकी जो है सारी भाप निकाल के साग को चेक कर लेते हैं। इसकी स्मेल जो है ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी जो है आ रही है। इसको देखिए साग हमारा कितनी अच्छी तरह से जो पक गया है। तो इसको मैंने पूरे 30 मिनट से 1 मिनट ज्यादा ना कम लगाया है, पूरे 30 मिनट ही लगवाए हैं। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। पानी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, तो देखिए इसमें जो पानी है पहले से ही है, तो डालने की जरूरत नहीं थी मुझे, तो मैंने नहीं डाला। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें आटा डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए वो भी काम करते हैं। पानी जो है इसमें घोटने के लिए तो ठीक है, इसे मिक्स करने के लिए, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा पानी डलेगा वो मैंने गैस पर जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इस तरह से इसको लेकर से इसको घोलने के बाद थोड़ा सा ही अब इसमें डालेंगे हम आटा। तो आटा किस तरह से इसमें डालना है वो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग जब साग में आटा डालते हैं तो उसके जो है लम्स पड़ जाते हैं, तो वो ये जो लम्स इसमें नहीं पड़ेंगे। ये मैंने मक्के का आटा लिया है, इस तरह से चम्मच से लेते हुए आटे को इस तरह से इसमें फैला लेंगे। एक जगह पर आटा जो नहीं डालेंगे, अगर एक जगह डाल देंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके ही इसमें जो आटा डालें, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको पहले इस तरह से
बहुत ही प्यार से इसको जो इसे ऐसे कर लेंगे, इससे जो आटे साग में है आटे के लम्स जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और एक साथ आटा हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा इसमें डालना है। तो जब भी आप साग बनाए तो मक्की का आटा ही इसमें इस्तेमाल करें। इस तरह से मैं घुमाते हुए, मैं मशीन का इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं। कुछ लोग साग बनाकर उसे मशीन में जो है ब्लेंड कर लेते हैं, उससे जो साग का फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी जो है बढ़िया नहीं आता है। तो हाथों से अगर हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही इसका जो फ्लेवर है ना वो बढ़िया आएगा। तो अभी मेरे को आटा थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है, तो थोड़ा सा आटा मैं इसमें वो डाल दूँ। देखिए इसमें एक भी जो है आटे का लम्स नहीं पड़ा है। तो आप भी इसी तरीके से इसमें आटा डालिए। इसमें थोड़ा सा जोर ज्यादा लगता है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि साग बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, पूरा दिन लग जाएगा, कैसे बनेगा कैसे नहीं। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है स्पेशल। इस तरह से इसको फिर धीरे धीरे से चलाते हुए इसको मैं ये देखिए इसमें आटे के भी लम्स जो है बिल्कुल नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हुआ है। तो अब मैं इसको तड़का लगाती हूँ। साग में मैं जो है सरसों के तेल का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि सरसों के तेल में अगर साग को फ्राई करते हैं तो इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया और जिसको कहते हैं करारा सा हो जाता है। तड़का लगाने के लिए तेल जो मैंने डाला वो गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे गार्लिक, थोड़ा सा भुनना है, ज्यादा नहीं। गार्लिक हमारा भुन चुका है, इसमें डाल देंगे प्याज। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर मैं इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करूंगी। हरी मिर्च और अदरक तो मैंने जब साग बनाया था पहले ही इसमें डाल दिया। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च या लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी जो नहीं डालूंगी। नमक मैंने डाला था तो नमक साग में जो है बिल्कुल पूरा है, तो मुझे अब तड़के में नमक डालने की जो है जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ बहुत कम जो है हल्दी हम इसमें डाल देंगे, इतनी सी, एक चौथाई हल्दी डालकर इसे भी साथ में भून लेंगे। इसके लिए इसे पका लेंगे जिससे हल्दी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब ये तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है, तो इसमें हम डाल देंगे साग इस तरह से। ये बिना मशीन के मैंने इसको मिक्स किया है, तो इतना ही मैं इसको तो ये साग हमारा बनकर जो है बिल्कुल तैयार है। तो आप भी साग जो है घर पर झटपट से बनाएं, कुछ ही घंटों में पूरा दिन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बनाएं इस साग को आप रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ। स्पेशल पंजाब में जो लोग खाते हैं तो मक्की की रोटी बनाएं उसके साथ खाएं। इसमें देसी घी मक्खन डालकर आप कुछ भी डालकर इसे खा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।